Assalamu alaikum, Progressive Model School, Main Branch, Shahar Road, Class 5, Subject Urdu B. Grammar, आज हम Urdu B के syllabus को discuss करेंगे. Urdu B के grammar में बेटा पहले आता है सिर्फ मौसूफ मसदर फेल की इकसाम. नर्दबाने उर्दू पेज नंबर 31 to 60 आपने करना है. दरख्वास्तें खत कहानियाँ और मजामीन. सिफ्त और मसूफ की तारीफ करें. सिफ्त वो अल्फाज जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को जाहिर करें सिफ्त कहलाता है. मसलन लाल गुलाब मीठा आम. अब लाल गुलाब गुलाब की ये सिफ्त है कि वो सुर्ख रंग का है या लाल रंग का है. मीठा आम में आम की ये सिफ्त है कि उसमें मिठास पाई जाती है, आम मीठा होता है. इनमें लाल और मीठा क्या है, सिफ्त हैं. मौसूफ की तारीफ. जिन अल्फाज की सिफ्त बयान की जाती हो उसे मौसूफ कहते हैं. सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है, मौसूफ है. और मीठे आम में आम क्या है, आम मौसूफ है. यानी इन दोनों को, ये दोनों चीज़ें मौसूफ होती हैं, इनकी सिफ्त बयान की जाती है. मसदर किसे कहते हैं, वो इसम जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे खाना पीना सोना. यानी खाने के लिए कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है कि अभी खाना है, सुबह खाना है या सिर्फ आपने शाम में खाना है. आप किसी भी टाइम खा सकते हैं. इसी तरह पीना, पानी भी पीने के लिए कोई कैद नहीं है. जूस जो चीज़ आप जिस टाइम चाहें पी सकते हैं. यानी मसदर में वो है जो जिसमें किसी काम का करना या होना जिसमें ज़माने का कोई ताल्लुक ना हो. ज़माने के ताल्लुक के बगैर जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, मसदर कहते हैं. फेल की इकसाम. फेल की कितनी इकसाम है, फेल की 3 इकसाम है. फेल माजी जो हम गुजरे हुए ज़माने में काम करते हैं उसे कहते हैं फेल माजी. फेल हाल मौजूदा ज़माने में, और फेल मुस्तकबिल आने वाला ज़माना. फेल माजी वो फेल है जिसमें किसी काम का करना होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए. अहमद आया था, यानी अहमद गुजरे हुए ज़माने में आया था. वो दौड़ रहा था, हम थक चुके थे. जो गुजरे हुए ज़माने में काम किया जाता है उसे कहा जाता है फेल माजी. फेल हाल वो फेल है जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए. मसलन अली दौड़ता है, बच्चा रो रहा है, बारिश हो रही है. मौजूदा ज़माने में ये काम हो रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, फेल हाल. फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें आने वाला ज़माना पाया जाए. मसलन अली मस्जिद जाएगा, कल जाएगा या परसों जाएगा, वो क्या होगा, आने वाला ज़माना होगा. अहमद स्कूल जाएगा, नासिर बाज़ार जाएगा. जिन अल्फाज के आखिर में गा गे गी आता है तो उसको क्या कहा जाता है, फेल मुस्तकबिल. कहानी लालच बुरी बला. लालच बच्चों बहुत बुरी बला होती है. ये 3 दोस्तों की कहानी है जो बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई एक थैली मिलती है सोने की तो उन तीनों में लालच आ जाता है. और वो फिर क्या करते हैं, हर कोई उस थैली को हासिल करने के लिए, शर्फियों की थैली को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं. और इस तरह लालच बुरी बला होती है. इसीलिए बच्चों हमें लालच नहीं करना चाहिए, जो हमारे नसीबों में होता है वो हमें मिलता है. एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तो इन्हें अशरफियों का एक थैला मिला. उन्होंने फैसला किया कि आपस में बांट लेंगे, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं. इनमें से एक खाना लेने चला गया. जो खाना लेने गया था उसने सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो तमाम अशरफियाँ मुझे मिल जाएंगी. जबकि जो दोस्त पीछे थे, दो रह गए थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम पहले वाले को मार दें और इस तरह सारी शर्फियाँ हम ले लेंगे. उन्होंने ऐसा ही किया. जब वो खाना लेके वापस आया तो उन्होंने क्या किया, उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया. फिर वो दोनों आराम से खाना खाने लगे. लेकिन चूंकि पहले वाले ने खाने में क्या किया था बच्चों, जहर मिला दिया था, क्योंकि उसने भी लालच किया था ना कि अगर मैं जहर मिला दूंगा तो सारी शर्फियाँ मैं ही ले लूँगा. लेकिन इन दोनों ने जब खाना शुरू किया तो खाने में जहर था,
जहर खाते ही मर गए। नतीजा लालच बुरी बला, जो चीज़ वहाँ थी वो वहीं रही, किसी के नसीब में नहीं हुई। इसलिए हमें किसी भी चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए। सच में बरकत है, सच सबसे ज़्यादा ताकतवर, सच में बरकत है, यानी सच जो होता है, सच बोलने वाला हमेशा कामयाब रहता है। ये कहानी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। एक दफ़ा का जिक्र है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए बगदाद जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। एक डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बोला, तुम्हारे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास अशर्फियों की थैली है। उस डाकू ने आपकी सारी तलाशी ले ली तो आपके पास से कुछ ना निकला। वो आपको अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार ये झूठ बोलता है कि मेरे पास अशर्फियों की थैली है। जब सरदार ने पूछा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना किया है। सरदार ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि ये माँ का इतना हुक्म मानता है जबकि मैं अपने अल्लाह का भी हुक्म नहीं मानता। उसने उसी वक्त लोगों का सामान वापस कर दिया और तौबा की कि मैं आज से सच बोलूँगा, किसी कोई डाका नहीं डालूँगा। तो बच्चों सच में बरकत है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सच बोलने की वजह से एक जो डाकू था उसने तौबा कर ली और वो राह रास्त पर आ गया। मेरा स्कूल, मेरे स्कूल का नाम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल है। ये कैंट के इलाके में वाकया है। आसपास का इलाका साफ सुथरा है। मेरे स्कूल में 30 से ज़्यादा कमरे हैं। इसमें एक बड़ा हॉल और मैदान भी है। स्कूल के तमाम असातिज़ा बड़े लायक और मेहनती हैं। स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है। यहाँ पढ़ाई का मियार बहुत अच्छा है। बच्चे नज़्म व ज़ब्त का बहुत ख्याल रखते हैं। तमाम तुलबा और तालिबात ज़हीन और मेहनती हैं, इसलिए बोर्ड में हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% आता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत लायक और मेहनती हैं। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। बच्चों आपने ये मज़मून याद भी करना है और लिखना भी है। पाकिस्तान के चार मौसम, पाकिस्तान के चार मौसम, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चार मौसम अता किए हैं। ये चारों मौसम बच्चों हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। हम गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, हम सर्दी के मज़े भी लूटते हैं, बहार में हम फूलों को भी इंजॉय करते हैं और ख़ज़ाओं को भी हम इंजॉय करते हैं जब दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के चार मौसम कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के चार मौसम हैं सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। बहार का मौसम मार्च से शुरू होता है और अप्रैल तक जाता है। इस मौसम में हर तरफ रंग बिरंग के फूल खिलते हैं, यानी मार्च और अप्रैल में बच्चों हर तरफ आपको रंग बिरंग के फूल नज़र आते हैं। गर्मी का मौसम, ये मौसम मई से लेकर अगस्त तक रहता है। इसमें शदीद गर्मी पड़ती है, लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठंडे मशरूबात और ताज़ा फल खाते हैं। गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, ठंडे मशरूबात और ताज़ा फल खाते हैं और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि शदीद गर्मी होती है। ख़ज़ां का मौसम, ये मौसम सितंबर से लेकर नवंबर तक रहता है। बच्चों ख़ज़ां के मौसम में सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। सर्दी का मौसम, ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। इसमें शदीद सर्दी पड़ती है, लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए मेवाजात भी खाते हैं और सर्दी के मौसम में बहुत से इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा सिलेबस समझ आ गया होगा। आपने यह सारा सिलेबस याद भी करना है और उर्दू की कॉपी पे लिखना भी है और अच्छी सी पेपर की तैयारी भी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।